जम्मू कश्मीर पुलिस रिटायर्ड हुए कर्मियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन गृह विभाग से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। करीब ढाई दशकों से रिटायर्ड पुलिसकर्मी अपने हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद यहां पर डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू न किए जाने से दुखी और हताश दिव्यांगों ने राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस द्वारा बख्शीनगर में रोक लिया गया। इन दिव्यांगियों ने मांग की है कि कानून के तहत उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण न दिए जाने समेत अन्य लाभों से भी वंचित रखा जा रहा है। जम्मू में दुकानदारों द्वारा बिजली विभाग के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 70 साल हो गए आजादी को, पर आज भी हमें नियमित बिजली, सड़क, साफ सफाई, सैनिटेशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है ऐसे प्रशासन से। अगर ये मुद्दे जल्द हल नहीं किए गए तो भविष्य में इस सरकार को हटा कर ही दम लेंगे, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा न कर सके। जम्मू में गैस, पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों के खिलाफ शिवसेना बाल साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने मोदी के प्रति वफा पर मिली बेवफाई पर रैप गाते हुए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने पेट्रोल और डीजल पर सरकारी लूट को बंद करने एवं इसे जीएसटी के तहत लाने की मांग रखी। जम्मू के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक में विद्यार्थियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से हम सब की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और बाकी अन्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज और क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के छात्रों के एग्जाम्स भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए मेंटली तैयार नहीं है, इसलिए अगर हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। हमारे एग्जाम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी आदेश बाकी कॉलेजों के लिए और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अलग कैसे हो सकते हैं। पॉलिटेक्निक प्रबंधन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होना चाहिए। जम्मू में जेकेएपी की साथी बटालियन द्वारा बटालियन हेडक्वार्टर्स एपीसी चन्नी हिम्मत में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इससे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण को ताजी हवा की पर्याप्त आपूर्ति के लिए यातायात कारखानों के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु यह अभियान चलाया गया है। वहीं जवानों और अधिकारियों को जानकारी दी गई और उन्हें वृक्षारोपण और मानवता के लिए उनके लाभों के बारे में भी जागरूक किया गया। जम्मू में ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग नए ऑयल टैंकर्स के लिए एप्लीकेशन देने गए और रजिस्ट्रेशन करने गए तो आरटीओ ने बताया कि आप लोगों को 65,000 जुर्माना देना होगा, ये केंद्र का आदेश है। उन्होंने कहा कि आरटीओ जम्मू और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दफ्तर पर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अगर बात तब भी नहीं बनी तो वो चक्का जाम करेंगे। देश को आजादी मिले दशकों हो गए, पर जम्मू के कुछ इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जहां अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद ना सड़क है, ना नियमित बिजली, ना पीने के लिए पानी। ऐसा ही इलाका जिला सांबा के ब्लॉक सुंब के पंचायत बलेटर का है। ये लोग आज भी विकास की उम्मीद लगाए प्रशासनिक अफसरों की राह देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव कराला रमहू में 11,000 वोल्टेज की तार टूट कर गिर पड़ी है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी सुध लेने नहीं आया। टूटी हुई तार कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। कोरोना महामारी के चलते बंद हुए स्कूल सोमवार 8 फरवरी से पूरी तरह से खुलने जा रहे हैं। 1 फरवरी से स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन 8 फरवरी से 1 से 8वीं तक की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। शिक्षा विभाग ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए कक्षाओं को लगाने के निर्देश स्कूलों को दिए हैं। एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बिठाने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। अभी तक स्कूलों में कम बच्चे आ रहे हैं,
सोमवार को अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उसके बाद ही पता चलेगा कि स्कूलों में कोविड के नियमों का पालन किस तरह हो रहा है। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा के लहारवल पोरा में लड़की की हत्या का आरोप लगाते हुए लड़की के परिवार वालों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगते हुए लड़की के ससुराल वालों पर कथित हत्या का आरोप लगाया है। अखनूर कस्बे के डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेरा मंत्रियां चौकी चौरा के पंचों सरपंचों ने अपने इलाके की समस्याओं को डीडीसी चेयरमैन से को अवगत कराया। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है लोगों की समस्या और मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाना। इस मौके पर कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। तोमर ने गांव, गरीब और किसान पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही करती है, खून से खेती भाजपा नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कृषि कानूनों में काला क्या है, लेकिन अभी तक भी कोई प्रावधान नहीं बताया गया। पीओके में नेशनल इक्वलिटी पार्टी जेके जीपीएल के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा झूठे और बेबुनियाद साथी बनाने का विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तानी झंडे के विरोध में भी नारे लगाए। उन्होंने कहा रियासत हमारी है, यहाँ पाकिस्तानी झंडे का क्या काम है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर भद्रवा और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 70वां दिन है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि शनिवार को सभी राज्य और जिलों के हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। दिल्ली में तो पहले से ही किसान बैठे हैं, इसलिए यहां चक्का जाम वाली स्थिति नहीं होगी। देश की अन्य जगहों पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी और झारखंड में किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। गन्ना कटाई होने और मिल में गन्ने पहुंचाने के चलते ये निर्णय लिया गया है।